गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. सबसे पहले देखो यहां पे क्या कहा गया, इसका मीनिंग देखिए। ये बताओ if a object is moving with constant वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस केस में उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u / t। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो वेलोसिटी की वैल्यू हर जगह पे सेम है, तो u को भी v के बराबर रखेंगे तो एक्सीलरेशन उस केस में क्या आ जाता है? जीरो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। तो ये बताइए, जब एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो है तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? उस केस में फोर्स आ गया जीरो। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट क्या आ रहा है? एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बाहर से जो फोर्स लगाया गया है वो नेट फोर्स क्या है? जीरो फोर्स है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? अब यहां पर देखिए, फोर्स हमने कितना लगाया? जीरो। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? जीरो। अब ये बताइए, एक्सेलरेशन जीरो आने के केस दो बन सकते हैं। कौन कौन से दो केस बन सकते हैं? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो। तो सिंपल सा है, एक्सेलरेशन कितना हो गया? v - u / t, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, इस केस में पॉसिबल है। और दूसरा केस क्या बताया हमने? दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस केस में एक्सीलरेशन हमने कितना निकाला? जीरो। तो सिंपल सा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो उसमें उस केस में उसका एक्सीलरेशन कितना हो गया? जीरो। और एक्सीलरेशन जीरो कब हो सकता है? दो केस में, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब, या फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब। तो यहां पे पूछा गया है, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ नो प्रोवाइड ए रीजन। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसके दो केस पॉसिबल है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नेट जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है वो जीरो है तो उस केस में एक्सीलरेशन जीरो होता है, और दो कंडीशन यहां पे बन सकती है। आपको ये वाला पॉइंट यहां पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। अगर हम किसी कारपेट को एक रॉड से या स्टिक से बीट मतलब मारते हैं तो उस केस में क्या होता है? इसमें से डस्ट बाहर आ जाती है, ऐसा क्यों? सपोज करो ये कारपेट है, इसे अगर हमने एक डस्ट से बीट किया तो जिस पॉइंट पे ये रॉड यहाँ पे लगेगी, स्टिक यहाँ पे लगेगी, वो पोर्शन आगे चला जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पे आगे जाने से क्या हो जाएगा? जो डस्ट पार्टिकल उसके अंदर है वो तो रेस्ट में थे, तो वो क्या रहेंगे? वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? इनर्शिया की प्रॉपर्टी से। तो वो वहीं रुक जाएंगे, मैट आगे चला गया वो वहीं पर है, तो क्या होगा? वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगे। और इस टाइप से हम मैट के अंदर से डस्ट पार्टिकल को निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैट को अगर क्लीन करना होता है तो हम इस टाइप से रॉड से हल्का हल्का उसे बीट करते हैं। क्यों करते हैं? कि जैसे ही रॉड को वहां पर मारेंगे वो उस पोर्शन से आगे मूव करेगा एकदम से, और ये जो डस्ट पार्टिकल हैं जो वहाँ पे रेस्ट में हैं वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो कि रेस्ट की वजह से है, इनर्शिया इन रेस्ट पार्टिकल, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, वो प्रिंसिपल लगते हुए
नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है उनके ऊपर, तो नीचे गिर जाएंगे। तो अगर किसी मैट में से हमें डस्ट पार्टिकल निकालने हैं तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज किया जाता है। तो व्हेन ए कार्पेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। तो आपको ये ध्यान रखना है ड्यू टू इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन रेस्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। तो ड्यू टू इनर्शिया इन रेस्ट डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स कैन नॉट, कैन नॉट कम टू इन मोशन, इन मोशन व्हेन कार्पेट इज बीटन बाय स्टिक, बाय स्टिक्स सो दे रिमूव फ्रॉम कार्पेट, फ्रॉम कार्पेट। अब ये बताइए अगर हमें कारपेट के अंदर से डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे स्टिक से बीट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे ये स्टिक वहाँ पे लग रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट में होने की वजह से वो उसमें से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। सपोज कीजिए, अच्छा यहाँ पे बस नहीं, हमने कोई गाड़ी ले ली है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम में समझाने के लिए। देखो लगेज को इस टाइप से एक रस्सी से बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है, इसका लॉजिक क्या है, तो ये बताइए। इनर्शिया, इनर्शिया इन रेस्ट और इनर्शिया इन मोशन, ये दो प्रॉपर्टी यहां पे लगेंगी। कैसे लगेंगी देखिए, पहले तो इनका मतलब देख लो। इनर्शिया इन रेस्ट क्या बताता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। इनर्शिया इन मोशन क्या बताता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। अब एक बात बताइए, यहां पे आपने कोई सामान रखा, ये गाड़ी एकदम से आगे की तरफ चलती है, तो क्योंकि वो सामान रेस्ट में था वो रेस्ट में रहना चाहता है, इससे क्या होगा, वो उस गाड़ी के ऊपर से नीचे गिर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गाड़ी एकदम से मोशन में आ गई है जबकि वो सामान रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा इनर्शिया की वजह से, इसीलिए वो उस गाड़ी के ऊपर से गिर सकते हैं। दूसरा पॉइंट सपोज कीजिए, सेकंड केस ले रहे हैं हम, गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है, सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, एकदम से ब्रेक लगाई गई, तो ये बताओ गाड़ी तो रेस्ट में आ जाएगी लेकिन जो सामान है वो तो मोशन में है, लगेज मोशन में है, और लगेज अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए वो गाड़ी के ऊपर से आगे गिर जाएगा, ठीक है। ये सेम वही लॉजिक है कि गाड़ी में बैठा हुआ कोई पर्सन अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। इसका एग्जांपल, गाड़ी एकदम से चल पड़ती है तो हम पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। दूसरा, गाड़ी 80 की स्पीड पर चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा देंगे तो हम आगे की तरफ गिरेंगे, इसलिए सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है। तो ये इनर्शिया इन रेस्ट और इनर्शिया इन मोशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो कि ये सामान उसी जगह पे स्टेबल रहे तो उस जगह पे स्टेबल रखने के लिए हमें उसे एक रस्सी से बांधना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज इट एडवाइस, ऐसा सुझाव क्यों दिया जाता है कि किसी भी सामान को जो बस के ऊपर या फिर कार के ऊपर रखा हुआ है उसे रस्सी से बांधा जाए। तो वो इसलिए बताया जाता है कि यहाँ पे इनर्शिया इन रेस्ट या इनर्शिया इन मोशन की वजह से वो सामान उस व्हीकल के ऊपर से गिर सकता है, इसलिए उसे टाई अप करने के लिए, गाड़ी के साथ बांधने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन ए लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू रेस्ट। अब ये बताइए, सपोज करो ये कोई बॉल है, यहां पे इसे हिट किया गया और इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई, ये बॉल यहां से मूव करते हुए यहां तक पहुंची, एज डिस्टेंस कवर्ड किया और बाद में ये क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी,
कैसे आ जाएगी? रेस्ट में. क्लियर है? ठीक है. द बॉल कम टू द रेस्ट, द बॉल स्लो टू ए स्टॉप बिकॉज. ये जो बॉल है यहां पे आके रेस्ट में क्यों आ गई, उसके लिए आपको एक सुटेबल रीजन देना है. ये बताओ, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ. उस बैट्समैन ने उस बॉल को अच्छे से फोर्स लगा के हिट नहीं किया. ठीक है, कोई बात नहीं. कोई ऐसा पर्सन ले आओ जो बहुत तेजी से हिट कर सकते हैं और उससे भी हिट करवाओ, तो ये बताओ बॉल कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी. तो रुक तो गई, तो इसका मतलब फोर्स का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे. छोड़िए. इसके बाद ये बताइए, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल. बॉल के ऊपर कितना भी फोर्स लगा लो, ठीक है, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन रुकेगी तो सही वो कहीं ना कहीं जाके. ठीक है, तो रुकना नहीं चाहिए, लेकिन रुक रही है तो इसका कोई लॉजिक नहीं आ रहा. यहाँ पे देखें, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिट टू द मोशन. अच्छा, अब एक बात बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट आकर मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोशन के अपोजिट एक फोर्स और लगता है जो हमने पढ़ा है, उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है? मोशन के अपोजिट. एग्जाम्पल, आपने बाइक को 80 की स्पीड पे भगाया, उसका इंजन स्विच ऑफ कर दो, ब्रेक नहीं लगानी है, फिर भी वो बाइक कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि टायर और रोड के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एयर जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है उसकी वजह से भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो मोशन के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये आगे जाके रुक जाती है. तो यहाँ पे सुटेबल एग्जाम्पल क्या आ गया? देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिट टू द मोशन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा. तो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से वो आगे जाके रुक जाती है. इस वाले को पॉइंट को देखना, डी को. देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल. अनबैलेंस, ये बताओ, अनबैलेंस फोर्स तो उसे हिट करते टाइम लगा ही दिया था. देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल. अनबैलेंस लगाया गया था, हिट किया गया था, तभी तो वो मोशन में आई थी. ठीक है, तो यहां पर देखें, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो सी अपना करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब देखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. चलिए हिल बना लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड सरफेस बना लो. सपोज करो ये ट्रक है, ऐसे ऐसे बना देते हैं. ये इसका मास है m. ठीक है, ये नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. यहाँ पे देखिए, शुरुआत में कहाँ से दे रखा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? रेस्ट से. तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे u से इंडिकेट किया जाता है, वो कितनी दे रखी है यहाँ पर? ये दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन उसका कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू नहीं बताई गई है. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या लिया गया है? कॉन्स्टेंट. ये हमें अभी नहीं पता है. कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? एस से. डिस्टेंस कितना कवर्ड कर रहा है? 400 मीटर. चलो, डिस्टेंस कवर्ड किया 400 मीटर. टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड. टाइम लगा है 20 सेकेंड. टाइम लगा 20 सेकेंड का. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 टन. मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 7 टन. ठीक है, 7 टन. अच्छा, ये बताओ, 1 टन कितने के बराबर दिया हुआ है? 1 टन की वैल्यू है 1000 kg. 1000 kg, तो बताना मास कितना हो गया टोटल? मास हो गया 7000 kg. तो हमें क्या निकालना है? एक तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है? फोर्स. फोर्स पूछा गया है. ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं इस वाले क्वेश्चन में. अच्छा, ये बताओ, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक तो है ये अपना रफ वर्क है, v इज इक्वल टू यू प्लस 18. अब एक बार बताओ, v है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं दे रखा, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे. एक और फॉर्मूला होता है,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। बेटा ये बताने का लॉजिक ये है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, बच्चे यही नहीं सेलेक्ट कर पाते कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। अब सिंपल सा है, कोई भी फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले फॉर्मूला किस टाइप से नेगलेक्ट किया जाएगा या किस टाइप से सेलेक्ट किया जाएगा उसका मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, वी है यहाँ पे हमारे पास, वी तो नहीं है, ए भी नहीं है, तो दो चीज़ें तो है ही नहीं, तो हम वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। कोई भी इक्वेशन तब अप्लाई होता है जब बाकी की चीज़ें पता हो और एक अननोन हो, तब तो आप कैलकुलेट कर लोगे, नहीं तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इन दो में एक तो वी नहीं है, ए नहीं है, तो पहले वाला अप्लाई नहीं होगा, इसमें वी नहीं है, ए नहीं है, ये भी अप्लाई नहीं होगा। अब बचा कौन सा, एक फार्मूला बच गया है, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखना एस पता है वो तो निकालना है, दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यू पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये भी पता है। टी पता है, टी भी पता है, ए निकल सकता है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले तो ये बताइए, आपको ये पता चला कि हम कैसे कोई भी फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, वो इस टाइप से पता चला। अब इसमें वैल्यू पुट करो, चलो सॉल्व करते हैं। ये बताओ एस स्क्वायर टू, एस की वैल्यू दे रखी है, हाँ बिल्कुल दे रखी है, एस की वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू है 400, 400 स्क्वायर टू, यू की वैल्यू बताओ, यू है 0, ठीक है, टी की वैल्यू बताओ, टी है 20, ओके, प्लस 1/2, ए की वैल्यू बताओ, ए कितना है, वो तो हमें निकालना है, तो ए को ए ही रहने दो, टी की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। इसे इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, ये बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया 400 स्क्वायर टू, 0 का 20 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, प्लस 1/2 ए, 20 का दो बार मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना होता है 400, ठीक है। अच्छा ये बताओ कितना बच गया, 400 स्क्वायर टू 400 ए बाई टू, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, 400 से 400 कैंसिल, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलेशन अपने पास कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एसिलेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा ये बताइए, हमसे फोर्स पूछा गया, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एसेलरेशन, फोर्स होता है, देखो एक तो हमें एसेलरेशन निकालना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया, एक है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है मास इंटू एसेलरेशन। मास कितना दे रखा है बताना, मास है 7000 kg, 7000 kg, ये हो गया मास, इंटू एसेलरेशन की वैल्यू बताना, एसेलरेशन कितना है, एसेलरेशन हमें दिया गया है 2, अभी अभी फाइंड आउट किया था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बताना कितना हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 14000, और ये बताओ या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, या फिर आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो इसे हम सीधा सीधा न्यूटन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए फोर्स कितना आ गया यहाँ पे, 14000 न्यूटन। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, देखिए स्टोन ऑफ मास 1 kg, देखो 1 kg, केजी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है मास, मास कितना दिया गया है 1 kg, मास दिया गया है 1 kg, इस थ्रो विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। ये बताओ शुरुआत में जब थ्रो कर रहे हैं तो थ्रो करते टाइम इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, किस पे फेंका गया है, एक फ्रोजन सरफेस, एक झील जमी हुई है उसके ऊपर बर्फ की लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर थ्रो किया गया लेक, एंड कम टू द रेस्ट, रेस्ट रेस्ट का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 0 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मिल गई हमें। ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 50 मीटर, डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, आपको ये बताना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फोर्स बताना है एक तरह से, ठीक है, फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। अच्छा ये बताइए, फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इन शॉर्ट हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताइए हमारे पास ये रफ वर्क है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पे देखिए वी पता है, बिल्कुल पता है, यू पता है, वो भी पता है, टी पता है, टी नहीं पता, ए पता है, वो भी नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। देखो दो चीजें नहीं पता, ए भी नहीं पता है और टी भी नहीं पता है। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, अब देखना ये वाला फॉर्मूला पता है, तो v की वैल्यू दे रखी है, u वो भी है, a नहीं दिया, s वो दे रखा है, तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी की वैल्यू हमें पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बताना कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो बताना v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू है जीरो का स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू, यू की वैल्यू है 20, इसका स्क्वायर 2 ए, ये हमें फाइंड आउट करना है, और एस की वैल्यू बताना, एस है 50, ठीक है, ये हो गया 50, ठीक है। अब ये बताइए जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 20 को दो बार मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ जाएगा, 400 स्क्वायर टू कितना हो गया, 50 × 2 कितना होता है भाई, 100 आ गया, ठीक है, इसे ऐसे लिख दिया। अब एक काम करिए, इसे ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये 100 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, तो ये आ जाएगा 400/100, तो बताओ कितना बचा, -4 m/s² हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, -4 m/s². अच्छा ये बताइए फोर्स पूछा गया है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, फोर्स का फार्मूला क्या होता है एम ए, और एम कितना दिया गया है हमें, एम दिया गया है 1 kg, ठीक है, तो एम की वैल्यू है 1, एक्सेलरेशन है -4, तो बताइए कितना फोर्स लगा, -4 N, तो इस पे जो फोर्स लगा है वो कितना आ जाएगा, -4 N आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, हमें क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया गया है, 8000 kg इंजन, ओके, इस पुल ए ट्रेन ऑफ 5 wagon, चलिए देखिए ये बताओ, ये एक इंजन है, इंजन ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, सपोज करो ये कितने केजी का दिया गया है, 8000 kg, ये अपना क्या है, ये इंजन है, इससे क्या जुड़ा गया है, कितने डब्बे जोड़े गए हैं ट्रेन के, ट्रेन के डब्बे जोड़े गए हैं कितने, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डब्बे हमने इसमें जोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, ईच ऑफ 2000 kg, हर एक कितने केजी का है, 2000 kg का, हर एक डब्बा 2000 kg का है, 2000 kg, ठीक है, 2000 kg, और ये भी 2000 kg, चलिए हर एक डब्बा 2000 kg का है, अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक के अलोंग, इफ द इंजन अप्लाई ए फोर्स, इंजन ने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, कितना किया, 40,000 N, फोर्स कितना अप्लाई किया है, 40,000 N, एंड द ट्रैक ऑफर्ड ए फ्रिक्शन फोर्स, ट्रैक पे कौन कौन है भाई, इंजन भी है और ये सारे डब्बे हैं, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ये कितना अप्लाई हुआ, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ 5000 न्यूटन,
ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। एक्सेलरेटिंग का मतलब एक्सेलरेशन मत निकाल देना। सबसे पहले पूछा गया वो फोर्स बताइए जो इस पूरी ट्रेन को आगे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये है, नेट एक्सेलरेटिंग का मतलब है उसे स्पीड देना। कौन दे रहा है? फोर्स। तो ये बताओ नेट फोर्स निकालना है एक तरह से, नेट फोर्स, और इसका मतलब वही है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स के बराबर है। लिख देते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमें। तो ये बताइए इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 40,000, चलिए। और इस वाली डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 5,000। तो ये बताइए डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। 40,000 में से 5,000 नेगेटिव किया तो बताओ कितना आ गया? ये आ गया 35,000 न्यूटन। ये कितना आ गया? 35,000 न्यूटन, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन सेकेंड पार्ट का आंसर निकालने वाले हैं। पहले वाले पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है। आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इसका आंसर हम निकालने वाले हैं। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले ये बताइए नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स है 35,000 न्यूटन। ये क्या है? ये नेट फोर्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है। कितना दे रखा है? 35,000 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 35,000/m, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे आपको एक पॉइंट मेनली याद रखना है। पॉइंट क्या है? अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है 35,000/, कई बुक्स में क्या किया हुआ है, अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ट्रेन का मतलब होता है उसे इंजन समेत ऐड करके। अरे इंजन के बिना ट्रेन कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो हमें तो क्या करना है, इंजन का भी मास उसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कई बुक्स में सिर्फ डब्बों का मास ऐड किया गया है। तो बेटा वो आंसर नॉर्मली हम काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती। तो वैसे कई बुक्स में क्या कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे हैं, एक का 2,000 है, तो 5 डब्बों का कितना हो गया मास, 5 बार जोड़ो उसे 2,000 को, तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000, 0 से 0 कैंसिल, बोलो कितना बचा, 35/10, जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब हो गया 3.5 meter/s². नॉर्मली कई बुक्स में ये आंसर दे रखा है, लेकिन हम इस वाले आंसर को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी ट्रेन बिना इंजन के नहीं चलेगी। जब हम ट्रेन को काउंट कर रहे हैं तो ट्रेन को काउंट करने का मतलब है उसके इंजन को भी हम काउंट करेंगे। बताया क्यों है फिर मैंने ऐसा, क्योंकि कई बुक्स में दे रखे हैं, आप बुक्स को देख के बोल सकते हो कि सर इसमें दिया हुआ है, तो नॉर्मली हम ये वाला आंसर नहीं लेंगे। तो हम कौन सा आंसर लेंगे, हम ये वाला आंसर लेंगे। टोटल मास कितना है? 35,000/। अब ये बताइए डब्बों का मास कितना हो गया, 10,000, और इंजन का कितना है, 8,000, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 18,000, ठीक है। तो अभी से सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 8 = 35/18। हम क्या कर रहे हैं, 35 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 18 से, तो बताना कितना है, 1.944। अब यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो ये बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 केजी। एक ऑटोमोबाइल है उसका मास कितना दे रखा है, उसका मास दे रखा है 1500 केजी, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, नेगेटिव, और नेगेटिव भी कितना, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इतना एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखे हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास, मास दिया गया है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, ठीक है, फोर्स पूछा गया है। अच्छा ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या है, फोर्स पढ़ा हुआ है हमने मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास पता है हमें कितना है 1500 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन दे रखा है नेगेटिव 1.7, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, पहले ये बताओ एक जीरो से इसका पॉइंट हट गया, नेगेटिव को आगे ले लिया, तो ये बचा 150 इंटू 70, क्लियर। इसके बाद 150 को 15 को 17 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना हो गया 35, 33, 10, ओके 5, 1, कितना आ गया 5, 5, 2, तो कितना आया नेगेटिव 2550, जीरो हमने यहाँ पे लिया नहीं था, वो भी आएगा, और ये कितना हो गया न्यूटन। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फोर्स बताइए कितना आ गया यहाँ पे, नेगेटिव 2550 न्यूटन। इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद ए वेलोसिटी वी। अब ये बताओ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है मास इंटू वेलोसिटी, मास, लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा हुआ है, मास, एक मिनट, मास इंटू वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद ए वेलोसिटी वी। अब ये बताइए हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम, जस्ट ए मिनट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पहले जो लेक्चर आपको ये करवा रखे हैं उनमें आपको बताया गया था मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फार्मूला बन गया एम वी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन चाहिए, मोमेंटम का ये वाला जो ऑप्शन है डी, मास इनटू वेलोसिटी, ये वाला अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, ये बताइए फोर्स कितना लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है 200 न्यूटन। वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, फोर्स अप्लाई करके इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, आप इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा ये बताइए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वी माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो
तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? अप्लाइड फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स इस वाले केस में कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो नेट फोर्स कितना आ गया? जीरो। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में ये कहा गया यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि नेट फोर्स जीरो कैसे होगा जब इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन लगेगा। और तुम्हें पता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन लगाता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये क्या है हो गया? ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले केस में कितना आ गया? 200 न्यूटन। अब ये बताइए जितना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना आ गया? जीरो। नेट फोर्स जीरो आने का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया था 200 न्यूटन, ठीक है। वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर, इसे एक फ्लोर पे मूव करना है एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। और नेट फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब जो नेट फोर्स है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन फोर्स लगाया गया है तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे जिससे कि नेट फोर्स क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो इसका मतलब ये जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बताइए व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट, कितना फ्रिक्शनल फोर्स कैबिनेट पे लगा हुआ है? तो फ्रिक्शन फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा? 200 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा हुआ है? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 केजी आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बताइए सपोज कीजिए पहला ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है? 1.5 केजी केजी। दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास 1.5 केजी केजी में बेटा ये मास, ठीक है। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये है और इस वाले की डायरेक्शन ये है। अगर इसकी वेलोसिटी वी ले रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव वी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। द वेलोसिटी ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है हर एक की? वेलोसिटी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर वट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर देखें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन सपोज कीजिए कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है v1। वेलोसिटी क्या लिख दी कोलिजन के बाद? कितनी है? v1। अब ये बताइए अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है? टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये किसके बराबर होता है? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन।
बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है टोटल मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए कोलिजन से पहले पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, वेलोसिटी v, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2, वेलोसिटी नेगेटिव v, नेगेटिव क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल गए, ठीक है। अब इसके बाद कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पहले वाले का मास m, वेलोसिटी कोलिजन के बाद देखो हमने क्या लिखी है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी हमने लिखी है v1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, v1 प्लस m2 कोलिजन के बाद की वेलोसिटी v1। अच्छा ये बताइए ये कितना हो गया, ये हो गया m1 माइनस m2 इंटू v इक्वल टू, ये कितना हो गया m1 प्लस m2 इंटू v1। ये बताइए मास कितना है, मास है दोनों ऑब्जेक्ट का सेम 1.5, तो ये कितना हो गया 1.5 माइनस 1.5, अब v की वैल्यू कितनी दे रखी है कोलिजन से पहले 2.5 इंटू में 2.5, इसके बाद मास कितना है 1.5 प्लस 1.5 इंटू v1, तो ये बताइए ये कितना हो गया, मास को हमने 1.5 में से 1.5 गया 0 इंटू 2.5, ये कितना हो गया 3v1, कितना हो गया 0 से मल्टीप्लाई 0 3v1, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 अपॉन 3 समथिंग, अप 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताइए कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी कंबाइंड वेलोसिटी वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, जिसका मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ये है दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये दोनों कोलाइड करेंगे और कोलाइड के बाद जो इनकी वेलोसिटी होगी ये एक्चुअल में रेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया, ठीक है, इस पॉइंट में इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश on an object, the object push back on us with a equal and opposite force. Newton का third law क्या कहता है, अगर मैं इस object पे 100 Newton का force लगा रहा हूँ ये move नहीं कर रहा तो इतना ही force ये वापस लगा रहे हैं, equal and opposite force लग रहे हैं, ठीक है। If the object is a massive truck, ये लो हमने एक object ले लिया, ये क्या है, ये एक truck है जिस बहुत भारी truck, massive मतलब जिसका weight काफ़ी है, पार्क अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाई आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर, कमेंट ऑन द लॉजिक एंड एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव। यहाँ पर देखो ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस इज आंसरिंग बाई दैट टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स आर कैंसिल आउट। अब ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, एग्जांपल ले रहे हैं कोई भी, तो इस ट्रक ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, इतना ही, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा ये मूव ही नहीं करेगा, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टूडेंट जस्टिफाई बाई आंसरिंग दैट टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल आउट ईच अदर, कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फोर्स कैंसिल आउट माना जाएगा जब तक कि ट्रक मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इस ट्रक को मूव करने के लिए आपको ये जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। टू मूव ए ट्रक, टू मूव ए ट्रक वी मस्ट अप्लाई ए फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड
ऑन ट्रक, ट्रक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको इस वाले क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 30, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ये बताओ हॉकी बॉल का जो मास है वो कितना दे रखा है 200 ग्राम। कोई भी न्यूमेरिकल करने का रूल क्या होता है, सबको ऐसे ही सिस्टम में लिखना होता है। तो मास को किस में लिखना होता है, केजी में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 200 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो बताओ कितना हो गया, तो ये हो गया 0.2 केजी। कितना हो गया ये 0.2 केजी। स्टक बाई ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। यहाँ पर देखिए, ये एक हॉकी स्टिक है, सपोज करो ये क्या है हॉकी स्टिक। ए हॉकी स्टिक, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवल एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाई ए हॉकी स्टिक। ये बताओ, सपोज करो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है शुरुआत की, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। ये वापस इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, वापस इसी डायरेक्शन में आने के लिए किस वेलोसिटी से, विद ए वेलोसिटी, आते टाइम, जाते टाइम वेलोसिटी थी v1, वापस आते टाइम इसकी डायरेक्शन बदल गई, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ नेगेटिव। वापस आते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, सेकेंड है ये, ठीक है, 1 है ये पावर। पूछा क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। पहले तो ये बताओ p1 मोमेंटम क्या होता है, जाते टाइम मोमेंटम है m v1, मास कितना है बॉल का 0.2, ठीक है। ये बताइए वेलोसिटी कितनी है 10, वेलोसिटी है 10, तो बताना कितना हुआ लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया 2, और यूनिट क्या होगी केजी मीटर पर सेकेंड। इसी टाइप से p2 मोमेंटम निकालो, वापस आते टाइम मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो कितना हो गया, मास है 0.2, मास तो चेंज होगा नहीं तो मास उतना ही है, वेलोसिटी आते टाइम डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस लगा दिया, तो -5। तो बताना p2 कितना आ गया, ये आ गया -1 यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो ये बताओ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है p2 - p1, तो बताइए कितना हो गया, p2 की वैल्यू बताओ, ये आ गई -1, अब p1 की वैल्यू बताओ, p1 की वैल्यू है 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछा, तो यहाँ पर देख लिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं, मोमेंटम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है यहाँ पर, -3 kg मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हम चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है, बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, ठीक है। ये बताइए केजी में कन्वर्ट कीजिए, 10 इंटू 10 की पावर -3 केजी, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 केजी। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है, ए बुलेट ऑफ मास 10 केजी ट्रेवल हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, ओके। स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये बताओ ये एक बुलेट है, शुरुआत में इसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, ये एक वुडन ब्लॉक से टकराती है, टकराने के बाद ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है और एक पॉइंट पे जाके रुकेगी। तो आपसे पूछा गया है ये इसके अंदर कितना
डिस्टेंस कवर कर रहा है एक तरह से। तो यहां पर देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेट, पेनेट्रेट का मतलब है इस ब्लॉक के अंदर होल करते हुए एंटर हो जाना, ब्लॉक ये ब्लॉक है इसके अंदर एंटर हो जाना एंड कम टू द रेस्ट। तो ये बताओ शुरुआत में वेलोसिटी 150, फाइनल वेलोसिटी जब रेस्ट में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमने पढ़ा हुआ है ठीक है। कम टू द रेस्ट टाइम कितना लगा उस केस में, टाइम लगा है इसे 0.03 सेकेंड, टाइम लगा 0.03 सेकेंड का। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ द ब्लॉक, आपको क्या निकालना है एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय द ब्लॉक, ब्लॉक पे फोर्स कितना लगा है वो निकालना है। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है ठीक है। यू पता है, वी पता है, टी पता है। एक्सेलरेशन निकालना बुलेट का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वी माइनस यू बाई टी ठीक है। वी की वैल्यू बताओ 0, माइनस यू की वैल्यू बताओ 150, इसके बाद टी की वैल्यू बताओ 0.03 ठीक है। इसके पॉइंट हटाने हैं तो क्या करोगे, कितने से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ऊपर हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3, 3 से कैंसिल करो कितना बचा, ये हो गया 50। तो ए आ गया नेगेटिव 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फोर्स फाइंड आउट करने, फोर्स कितना लगा, फोर्स होते हैं एम ए, कितना फोर्स अप्लाई किया गया। तो ये बताना मास कितना दे रखे हैं, मास दे रखे हैं 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये कितना है नेगेटिव 5000 का मतलब 10 की पावर माइनस 2, और ये कितना है इसे लिख लेते हैं 5 × 10³, और ये कितना है 10 की पावर माइनस 2। तो बताओ कितना बचा, ये हो गया माइनस 50 न्यूटन ठीक है। कितना हो गया माइनस 50 न्यूटन, तो जो फोर्स लगा है वो होगा माइनस 50 न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया, अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास वैसे तो कई फार्मूले हैं लेकिन आप नॉर्मली ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। कौन सा यूज़ करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s यूज़ कर लें ठीक है। एक्सेलरेशन भी पता है, सारी चीज़ें पता है ठीक है, तो वही यूज़ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो बताना v कितना है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 क्योंकि वो रेस्ट में आ गया था, इनिशियल वेलोसिटी है 150 का स्क्वायर हो गया ठीक है 2, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने नेगेटिव 5000 इंटू में s। तो s को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 150 × 150 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव 2 × 5000, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 1 से ये वाली 1 कैंसिल ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं 5 से कैंसिल करो तो 5 से 3 और 5 से कितनी बार 10 बार, तो ये कितना हो गया एस स्क्वायर टू 10 से डिवाइड किया 3 × 1.5/2 ठीक है। क्या लिख सकते हैं एस स्क्वायर टू, ये भी हो गया 1.5 × 1.5 ठीक है। एस स्क्वायर टू 1.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई बताओ 225 दो पॉइंट, तो ये कितना आ गया, ये जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 2.25 मीटर, मतलब ये जो बुलेट है ब्लॉक के अंदर 2.25 मीटर तक इंसर्ट हो जाएगी ठीक है। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg
ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg। ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद एन स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। अब यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ठीक है, ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद एन स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो हमारे पास दो ब्लॉक हैं एक तरह से, m1 इतना है शुरुआत की वेलोसिटी, u1 इतनी है, ठीक है, u1 लिख लो इसे। दूसरा ब्लॉक है, किससे टकरा रहा है ये दूसरा ब्लॉक, विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, कोलाइड विद एन स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक ब्लॉक है जो रेस्ट में है, उसका मास कितना है 5 kg। ये क्या है मास ऑफ द ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी कितनी है कोलिजन से पहले, इसकी वेलोसिटी है 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किस में है, ये रेस्ट में है बोला गया, ठीक है। ये किसके लिए है ऑब्जेक्ट, ये डाटा है ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट, और ये वाला किसके लिए है, ये है ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रेवलिंग इन ए वेलोसिटी 10 मीटर कोलाइड विद ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ब्लॉक के लिए, ठीक है। चलिए ये ब्लॉक के लिए हो गया, अब हमें क्या करना है, ये तो कोलिजन से पहले है, कोलिजन के बाद देन दे बोथ मूव विद टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। टकराने के बाद इनकी जो स्पीड है वो दोनों की सेम हो जाती है, कहने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इससे जाके टकराता है और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसकी भी वेलोसिटी v लिख दो और इस वाले की भी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो क्या है, दोनों की वेलोसिटी सेम है इसलिए मैंने इसे v लिख दिया। इसमें फॉर्मूला लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ये बताओ, कोलिजन से पहले का मोमेंटम 1 kg मास पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास 5 kg और उसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है। कोलिजन के बाद मास कितना है 1, इसकी स्पीड कितनी है v, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, मास दूसरे ऑब्जेक्ट का 5 और इसकी वेलोसिटी कितनी है p, कितना हो गया ये हो गया 10, ये हो गया 6v, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ v कितना आ गया, v आ गया 10/6, कैंसिल करेंगे तो 5/3, और इसे डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड किया तो बताओ कितना आएगा, कितनी बार गया 1 2, पॉइंट लगाएंगे 0 6 18, 2 बचा 0 6 18, फिर 2 6, तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो 1. क्या लिख सकते हैं इसे 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, एक तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो ये कंबाइंड जो वेलोसिटी है वो क्या है v है, ठीक है, निकाल लिया। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट, तो यहां पर देखना टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट,
टोटल, अब मोमेंटम तो दोनों सेम है, तो ये बताओ टोटल मोमेंटम, मोमेंटम जस्ट बिफोर द बिफोर इंपैक्ट। अब आपको पता है इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद का मोमेंटम सेम होता है, तो यहां पर देखो मोमेंटम कितना आया था कोलिजन से पहले, 6 10, ठीक है 10। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, या इंपैक्ट भी कह सकते हो, कितना दे रखा है 6 V। V की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने, कितना था 1.67। सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करेंगे तो 42 4 40 4 10, तो ये क्या हो गया 10.02, ये क्या हो जाता है नियरली इक्वल 10 kg मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। 10 लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विद ए वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास है 100 kg, ऑब्जेक्ट का मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी। शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है 5 m/s, बाद की वेलोसिटी कितनी हो गई है 8 m/s, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 6 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। आपको करना क्या है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकालना है, जिसे क्या कहा जा रहा है P1, कितना हो गया m इंटू में u, बोलो कितना हो गया, मास कितना है 100 इंटू वेलोसिटी 5 = 500, ये बताओ मास की यूनिट kg, इसके बाद वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, लिख सकते हैं ऐसे, ओके। इसके बाद क्या दे रखे हैं फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो बताना क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा P2 = mv, मास कितना है 100, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है 8, तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया 800 kg m/s, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कैलकुलेट द इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कर लिए यहां तक, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड रूल क्या था बताना, F = P2 - P1/T, ये वाला फॉर्मूला था, तो देखना P2 कितना है, P2 की वैल्यू है 800 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है, ये है 500 अपॉन T की वैल्यू क्या है 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 300/6, तो कितना हो गया
ये हो गया एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन. एफ कितना हो गया, एफ हो गया 50 न्यूटन. तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग ए मोटर कार दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंडशील्ड. यहाँ पे देखिए तीन फ्रेंड हैं जिनका नाम है अख्तर, किरण एंड राहुल. वो क्या है, एक गाड़ी में बैठ के कार में मूव कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पर, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, एक इंसेक्ट मतलब कोई भी कीड़ा आता है और विंडशील्ड से टकराता है. और आपको पता ही है नॉर्मली जब विंडशील्ड से टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पोंडरिंग ओवर द सिचुएशन. अख्तर और किरण इस सिचुएशन पे बात करना शुरू करते हैं. किरण सजेस्ट दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार. तो यहाँ पर देखो किरण ने क्या कहा, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार. अब यहाँ पे पॉइंट आते हैं, किरण ये सजेस्ट करती है, ये सुझाव देती है, ये बताती है कि इंसेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार के कंपैरिजन में. अब आपको ये ध्यान रखना है, ये लॉजिक आप इससे देख सकते हो, गन से जब फायर किया जाता है तो बुलेट और गन का जो मोमेंटम है वो दोनों सेम होता है, लेकिन क्योंकि बुलेट का मास कम होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो प्रोडक्ट जो है मास इंटू वेलोसिटी वो इक्वल आएगा. गन की वेलोसिटी पीछे हटने की कम होती है क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, तो इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी दोनों का मोमेंटम सेम होता है. ऐसे ही यहाँ पे ये लॉजिक है, इंसेक्ट का मोमेंटम और कार का मोमेंटम दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन किरण ने कहा है कि मोमेंटम किसका ज़्यादा है, किरण सजेस्ट दैट द इंसेक्ट सफर ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर, मतलब इंसेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा है जबकि कार का जो चेंज इन मोमेंटम है वो कम है. तो यहाँ पे जो किरण ने बोला है, अकॉर्डिंग टू किरण ने जो सजेशन दिया है वो क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है. ठीक है, किरण ने जो एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कार का और चेंज इन मोमेंटम जो भी यहाँ पे इंसेक्ट का हो रहा है वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, मोमेंटम दोनों का सेम होना चाहिए. मोमेंटम ऑफ कार एंड इंसेक्ट आर सेम, क्योंकि इंसेक्ट और कार का जो मोमेंटम वो सेम आना चाहिए, किरण कह रही है कि अलग अलग है, तो किरण की ये जो थ्योरी है जो उसने बोला है वो यहाँ पे गलत है. अगला देखिए, अख्तर सेट, दूसरा फ्रेंड जिसका नाम क्या है अख्तर, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू अख्तर सेट दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी, मोटर कार की वेलोसिटी ज़्यादा है, इट अप्लाई ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा किस पे, इंसेक्ट पे, एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, और इस वजह से इंसेक्ट मर गया. तो यहाँ पर डाइड हो गया, इसका मतलब क्या है, आपको ये ध्यान रखना है मोमेंटम में जो चेंज है वो दोनों के लिए सेम है, तो फोर्स न्यूटन के सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगना चाहिए वो दोनों पे सेम लगेगा. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो फोर्स अप्लाइड ऑन कार मस्ट बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इंसेक्ट. तो यहां पे अख्तर क्या कह रहे हैं कि दोनों पे फोर्स क्या है, अलग अलग लग रहा है, तो अख्तर की ये जो थ्योरी है ये भी गलत है. ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ठीक है, राहुल वाई पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज ऑफ देयर मोमेंटम.
ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। देखो इतनी देर से हम क्या बता रहे हैं, मोमेंटम ऑफ कार और इंसेक्ट का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, फोर्स दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहां पे तीसरा जो एक्सप्लेनेशन राहुल ने दिया, राहुल ने क्या दिया, वो सही एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है उसने, कहा है राहुल भाई पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेट दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड दे चेंज इन देयर मोमेंटम, कमेंट ऑन दिस सजेशन। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब पॉइंट ये आता है इंसेक्ट डाई क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के ऊपर जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो उसे बियर नहीं कर पाता, वो ज़्यादा चेंज होता है जो इंसेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है कार के कंपेरिजन में, इसीलिए इंसेक्ट डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 cm। अच्छा ये बताओ, एक डंबल है, डंबल का मास कितना है, मास है 10 kg। ठीक है, शुरुआत में वो कैसे है, शुरुआत में डंबल है रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में स्पीड कितनी होती है 0 m/s। इसके बाद ये बताओ वो कितनी हाइट से नीचे गिर रहा है, वो गिर रहा है 80 cm की हाइट से, 80 cm को मीटर में बदलो तो कितना हो जाएगा, 80 × 10^-2 m। क्या लिख सकते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं 0.8 m। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन कितना दे रखा है नीचे गिरने का, ए दे रखा है 10 m/s² एसेलेशन है 10 m/s². आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, क्या निकालना है, वी। तो हमें क्या क्या मिल गया, यू पता है, वी पता है, वी निकालना है। यू की वैल्यू कितनी है, कितना दे रखा है यू, 0 m/s। ठीक है, वी कितना दे रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एसेलेशन कितना दे रखा है, 10 m/s² दे रखा है। ठीक है, एस कितना दे रखा है, 0.8 m। हमारे पास कोई फार्मूला है, फार्मूला है हमारे पास v² - u² = 2as, ये वाला फार्मूला है। तो ये बताओ v² - u की वैल्यू क्या है, 0² × 2, a की वैल्यू कितनी है 10, और s की वैल्यू कितनी है 0.8, लिख सकते हैं ऐसे। तो बताओ v² कितना हो गया, ये हो गया 60, तो v कितना हो गया, v हो गया 4 m/s। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, हाउ मच मोमेंटम पूछा गया है, मोमेंटम। अब ये बताओ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 4, तो बताओ मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो गया 40 kg, मास किस में होता है kg में, तो 40 kg/s। ये क्या हो गया, ये चेंज, ये मोमेंटम हो गया किसका, डंबल का, जो कहाँ पे अप्लाई करेगा, फोर्स पे अप्लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, अब पूछा क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। चलो भाई पहले वाले पार्ट का आंसर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप से हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली। ठीक है, यहाँ पर हमें तीन चीज़ें लिखनी है, क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो टाइम लिखा हुआ है, दूसरा डिस्टेंस लिखा हुआ है, और तीसरा एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। ठीक है, पहली वैल्यू क्या है, 0 पे 0, ये है टाइम 0, डिस्टेंस है 0। ठीक है, इसके बाद 1 2 1 1, ठीक है, इसके बाद 2 8, ठीक है, उसके बाद 3 27, बिल्कुल ठीक, उसके बाद 4 64, ठीक है,
इसके बाद 5 और 125, ओके, इसके बाद 6 और 216, ये भी हो गया, इसके बाद 7 और 343, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि हम एक्सेलरेशन कैसे निकालें, हमें क्या क्या दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखे हैं, ये क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पढ़ा है कभी? बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है जीरो, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला? अरे सिंपल सा है, टाइम जीरो होने पे डिस्टेंस कितना दे रखा है, जीरो कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हुई, जीरो ही ना। ये वाली वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो बताना इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, एस स्क्वायर टू, ये तो जीरो हो गया, 1/2 a t स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन बन गया। अब एक बार बताओ, मुझे s पता है और t पता है, a निकालना है, तो इस वाले फार्मूले से बताना a का फार्मूला क्या बन गया, a का फार्मूला बन गया 2s अपॉन t स्क्वायर। बोलो ये अपना मेन फार्मूला है जिसे अप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब टाइम की वैल्यू को जीरो पुट कर रहे हो और s को जीरो पुट कर रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो आएगा, ठीक है। एस को वन पुट किया, यहाँ पे देखो एस वन और टाइम भी वन, एस को वन और टाइम को वन पुट किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तीसरे वाली रीडिंग में देखो, तीसरे वाली रीडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू एस की वैल्यू बताओ 8 और टाइम के स्क्वायर, टाइम कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो बताना कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 8 अपॉन 4, 4 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सी रीडिंग के लिए, थर्ड वाली के लिए, तो ये कितना आ गया 4, ठीक है। अब निकालो थर्ड रीडिंग के लिए, थर्ड रीडिंग के लिए निकालेंगे तो 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 27, ठीक है। टाइम कितना है 3 का स्क्वायर 9 से कितनी बार कैंसिल, 3 बार, तो कितना आया 6, तो ये आ गया 6। अब निकालो इस वाली रीडिंग के लिए, तो a स्क्वायर टू 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 64, ओके। टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, कितनी बार कैंसिल 4 बार, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, ये वाली रीडिंग आ गई 8। अगला पॉइंट 5 और 125 के लिए, चलो यहाँ पे करो, चलो इन्हें मिटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हमें आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखने में दिक्कत आएगी, आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। तो इस टाइप से हम इसे, ये पूरा क्यों आ रहा है, यहाँ तक नहीं लेना हमें, ठीक है, ये वाला भी, चलिए इस वाली रीडिंग के लिए निकालो a स्क्वायर टू 2 इंटू s की जगह पे क्या है, s की जगह पे 125 और t का स्क्वायर, t कितना है 5 का स्क्वायर 25, कितने बाद 6, कितना आ गया 12, ये हो गया 12, ठीक है। इस वाली रीडिंग के लिए निकालना a स्क्वायर टू 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 216 और कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, कितनी बार कैंसिल 6 बार, तो कितना आ गया 12, नहीं कितनी 6 बार ही है ना 36, ठीक है 12 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट 125 के लिए देखना 4 125 4 और ये 5, ये 5 आना चाहिए, 10 होना चाहिए, हाँ ठीक है। ये कितना आ रहा था यहाँ पे देखें,
ओके, सेकेंड वाली रीडिंग के लिए देखो, चलिए यहां पर देखिए 1 और 125 के लिए देखो, a इज इक्वल टू 2 इंटू एस की जगह पे क्या है 125, और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, कितनी बार कैंसिल हुआ, ये हो गया 5 बार, तो कितना आ गया 10, तो ये हो गया 10, ठीक है, ये है 10। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है a इज इक्वल टू 2 इंटू 216 अपॉन 36, तो कितनी बार कैंसिल हो सकता है, तो ये देखो 6 बार, 6 से हाँ 6, तो ये आ गया 12, ठीक है, ये कितना हो गया, थर्ड वाली रीडिंग के लिए देखो, ये हो गया 2 इंटू 349, कितनी बार 6, 7, ठीक है 7, तो कितना आया 14, चलिए ये वैल्यू आ गई। अब देखो, अब इससे सॉल्व करने का तरीका, हमने एसेलेरेशन निकाल लिया हर एक के लिए, अब पॉइंट आता है एसेलेरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो नहीं है, देखो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है क्या इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले 0, 2, 4, 6, हाँ बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस वाले पार्ट का आंसर आएगा एसेलेरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके बारे में क्या बता सकते हैं। अब सिंपल सा है, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, फोर्स अगर कांस्टेंट है मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, नॉन यूनिफॉर्म है उस केस में, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लगातार इसके ऊपर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हो अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये दो आंसर इसके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 2% मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ मास, मोटर कार का मास कितना है, मास है 1200 kg, ठीक है। इसके बाद एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद अलोंग ए लेवल लोड द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3% टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, देखो पहले केस में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया, कोई बात नहीं। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3% टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार अज्यूमिंग दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, तो ये बताना है आपको विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, तो ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मास कितना है 1200 kg, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहले तो ये बताओ फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया 2400, ठीक है, न्यूटन, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 240 न्यूटन। अब सिंपल से पॉइंट ये आता है, अगर कोई पर्सन 240 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करता है तो क्या कार मूव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो पर्टिकुलर पर्सन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस कार को मूव करने के लिए, 240 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट, ए हैमर ऑफ मास, मास कितना दिया हुआ है, हैमर का मास दिया हुआ है 500 ग्राम, ग्राम को केजी में बदलना, कैसे बदलते हैं, 1000 से डिवाइड करना होता है, कर दिया, उसके बाद ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5 kg, ठीक है। स्ट्राइक ए नेल, अब ये बताओ जब कोई हैमर हथौड़ा नेल पे टकराएगा तो टकराने के बाद तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी,
फाइनल टकराते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यहां पे देखो स्ट्राइक ए नेल, द नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। टाइम कितने में रोक लिया इसे, शॉर्ट टाइम लगा है 0.01 सेकेंड। ठीक है, हैमर की वेलोसिटी शुरुआत की कितनी दे रखी है, 50 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स कितना अप्लाई हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन के सेकेंड फार्मूले से, आपको पता है, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला होता है। कैसे, फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था P2 - P1 / T पढ़ा था। ठीक है, फोर्स कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू अपॉन टी। अगर इसमें से एम कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, वी माइनस यू बाई टी। तो कहने का मतलब हम इस टाइप से लिख सकते हैं सेकेंड रूल को। ठीक है, तो अब बताइए इसमें वैल्यू पुट करो कितना हुआ, एफ इज़ टू मास की वैल्यू बताओ, मास कितना है 0.5 kg। ठीक है, मास कितना हो गया 0.5 kg। इसके बाद वेलोसिटी बताना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 50। इसके बाद टाइम कितना लगा, 0.01। ठीक है, अगला पॉइंट कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव 0.5 × 50 / 0.01। इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, तो बताओ कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव, ये बताओ 5 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे आएगा, ठीक है 25 हो गया अपॉन 0.01। पॉइंट हटाओ तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो ये हो जाएगा 2500 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 2500 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे। ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, मास कितना दे रखे हैं 1200 kg, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 19 km/h। ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू 18 km/h। वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल, 18 km/h। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। बाई एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको, दूसरा पॉइंट और क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 - P1 निकालना है। ओके, और क्या निकालना है, और आल्सो कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चले, कोई भी न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला रूल क्या होता है, रूल ये होता है सारी यूनिट्स को ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। तो 19 km/h को हमें m/s में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 18 से 5 बार, और ये कितना आ गया, ये 25, ये आ गया 25 m/s। ठीक है, इसके बाद 18 को कन्वर्ट किया, 18 × 5/18, तो कितना बचा, ये आ गया 5 m/s। इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v - u / t, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। v की वैल्यू बताओ, v है 5, माइनस u की वैल्यू बताओ 25, t की वैल्यू बताओ 4, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा -20/4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 m/s². तो ये हो जाएगा -5 m/s², ये हो गया एक्सेलरेशन।
अगला पॉइंट ये बताओ, हमें पी टू माइनस फोर्स, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला होता है एम ए। तो बताना मास कितना है? मास है 1200 kg। इसे मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन से जो कि है माइनस 5। तो बताना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव 6000 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स कितना लगा? माइनस 6000 न्यूटन। इसके बाद क्या बचा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, P2 माइनस P1 ये हमें निकालना है। तो बताना P2 का मतलब mv माइनस mu, ये हमें निकालना है। मास बाहर ले लिया तो कितना हो गया? v माइनस u, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 1200 kg। ठीक है, देखो यहाँ पे मास कितना दे रखा है? 1200। v कितना दे रखा है? 5। और u कितना दे रखा है? 25। 5 माइनस 25, तो बताना कितना हो गया? 1200 माइनस 20, ठीक है, कितना हो गया? माइनस 24000 यूनिट। क्या होती है भाई मास की? केजी। और वेलोसिटी की? स्पीड की मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? ये आ गया 24000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।